आज मैं आपको वजाइना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसके बारे में आपने पहले कभी, अगर आप बी नेचुरल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और अगर आप बी नेचुरल के सब्सक्राइबर हो तो आप अब तक तो बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे। तो सारे न्यू व्यूवर्स के लिए है ये आज का वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगी वजाइनल फैक्ट्स विच यू डोंट नो। जो अंदर वजाइना की वॉल्स होती है ना, वो प्लीटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अम्ब्रेला होता है, जब बंद करो तो कैसा होता है और जब आप खोल देते हो वो कितना बड़ा खुल जाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और जब भी बेबी बॉर्न होता है, एट दैट टाइम वजाइना ओपन हो जाता है, खुल जाता है, बड़ा हो जाता है और बाद में वापस अपने शेप में आ जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम ये अपनी साइज से 2 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये स्वेल भी हो सकता है, स्वेलिंग भी आ जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो तो, और थोड़ी देर में साइज इसका नॉर्मल भी हो जाता है, स्वेलिंग भी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, ये स्ट्रेच होता है, नॉर्मल शेप में आता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है वजाइना के बारे में। जैसे ह्यूमन बीइंग के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सबके अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरीके से वजाइना के भी वजाइनल पार्ट्स होते हैं और उनके अलग नाम होते हैं, लेकिन हम पूरी वजाइना को वजाइना नाम से बुलाते हैं जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। जो हिस्सा नजर नहीं आता है वो होता है अंदर, एकदम कैनाल टाइप का, वो होता है वजाइना। जो हिस्सा बाहर नजर आता है वो होता है वल्वा, जो कि आप टच कर सकते हो, जिसे वजाइनल लिप्स भी बोलते हैं क्योंकि वो दिखते ही कुछ ऐसे हैं। और वजाइनल लिप्स के पास होता है इनर और आउटर लेबिया। तो ये डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ, तो कुछ इस तरीके के आपके वजाइनल बॉडी पार्ट्स होते हैं। और वजाइना के सारे पार्ट्स में से सबसे ज्यादा अहम और इंटरेस्टिंग होता है क्लिटोरियस, जिसके बारे में आगे बताती हूँ आपको। हर ह्यूमन के अंदर मिनिमम 2 होल तो होते ही हैं जहां से वो पी या पू करते हैं, लेकिन विमेन मेन से काफी अलग होती हैं और उनके अंदर 3 होल्स होते हैं। बैकवर्ड से शुरू करें तो पहला होल होता है जहां से आप स्टूल पास करते हैं, फ्रंट से देखें तो पहला होल होता है जहां से आप यूरिन पास करते हैं, जिसे यूरिथ्रा भी बोलते हैं, जहां से सिर्फ और सिर्फ पी पास होता है, जिसका होल बहुत ही छोटा होता है। अब जो सेंटर में होल होता है उसे कहते हैं वजाइनल ओपनिंग। जी हाँ, वो होती है वजाइनल की ओपनिंग, जहां से आप पास ऑन कर सकते हैं। अगर आप टेम्पॉन यूज करते हैं तो टेम्पॉन वहां डालना होता है, मेंस्ट्रुअल कप डालना होता है, वहां से आपका पीरियड का ब्लड आता है, वहां से बेबी बॉर्न होते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत होती है और वहीं से रिप्रोडक्टिव का सारा प्रोसेस होता है। तो विमेन के अंदर 3 होल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी का एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको पता होना चाहिए। अगला जो फैक्ट है वो पता तो सबको है लेकिन इस तरीके से आपने सोचा नहीं होगा। आपको पता है आपका वजाइना का एक बॉडीगार्ड भी होता है, सोचो सोचो। ये आपकी वजाइना का एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो प्रिवेंट करता है बाहर की किसी भी हार्मफुल चीज का अंदर जाने से, प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो बैक्टीरिया, जर्म्स, लोशन, सोप, वाटर, कुछ भी हो, अंदर नहीं जाने देता है वो। तो वो प्रोटेक्शन सही पहचाना, आपके वजाइनल हेयर होते हैं, भगवान ने इसीलिए उसको वहां पे बनाया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए बाकी किसी भी बैक्टीरिया जर्म्स को वहां जाने से। वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिटोरियस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो चलिए क्लिटोरियस और क्लिट के बारे में बात करते हैं। लाइक पीनस, क्लिटोरियस कैन ऑल्सो रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी पी टू लाइमा बीन। सो इतना ज्यादा उसके साइज में फर्क आ जाता है एक बार वो सेक्सुअली अरोज होता है तो। वजाइना का जो सबसे पहला ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें छोटा सा ऐसा आपको दिखता है, जो टच करोगे तुम्हें भी फील हो जाए, उसे क्लिट कहते हैं, क्लिटोरियस बोलते हैं। वो एक ऐसा मात्र आपके शरीर का हिस्सा है जिसके अंदर हजारों नर्व्स एंड करती हैं। जब आप लव मेकिंग का प्रोसेस करते हो तो वो बहुत ज्यादा साइज में भी इंक्रीज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा प्लेजर देने का काम भी करता है। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। क्या आपको क्लिट के बारे में इससे पहले पता था? चलो क्लिट के बारे में थोड़ा और मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ। आपने वो मूवी देखी है टाइटैनिक, तो कैसे वो आइसबर्ग बाहर से छोटा नजर आ रहा होता है पर बाद में पता चलता है वो नीचे जमीन में बहुत अंदर तक था, वो बहुत बड़ा था। तो सेम ऐसा क्लिट के साथ होता है, बाहर बहुत छोटा दिखता है बट अंदर वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इतने सारे नर्व्स वहां पे एंड हो रही होती हैं। लव मेकिंग में उसका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात कर लेते हैं वजाइना के कलर के बारे में। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वजाइना का कलर उनका ऐसा है तो बाकी का कैसा है, क्या सबका ऐसा है? तो मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आपके बॉडी से 3-4 गुना डार्कर शेड हो सकता है आपके वजाइना का, और ये बहुत आम बात है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो, हर किसी का बॉडी पार्ट से कंपेयर करो तो वजाइनल एरिया डार्क
होता ही है और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हार्मोनल, बायोलॉजिकल। आप जहाँ के बॉर्न हो, ब्राउन कलर के जो स्किन टोन के लोग होते हैं, स्पेशली इंडियंस, उनका डार्कर होता है और ये साइंटिफिक प्रूवन भी है। तो अगर आप अब तक अपने वजाना के कलर की वजह से एम्बेरस होते हुए आए थे तो आपको ऐसा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर। आपके वजाना में कभी भी कुछ भी खो नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि अगर ये खो गया तो मेंस्ट्रुअल कप, टेम्पॉन खो गया, नहीं मिला, वजाना के थ्रू होते हुए पेट के अंदर चला गया, कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं होता और इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत पहले, बट फिर भी रिमाइंड कर देती हूँ नए व्यूअर्स के लिए। नथिंग कैन लॉस्ट इन योर वजाना, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस होता ही नहीं है। आप सोचने में ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत से फॉरेन कंट्रीज में ना, जैसे आप अपने फेस को साफ करने के लिए फेशियल करते हो, वहां पे वो वजाना को क्लीन अप करने के लिए भी वजानल फेशियल करते हैं। बहुत अजीब है ये, इंडिया में तो मैंने नहीं देखा सुना, अगर आपने देखा सुना है तो बताना। तो पूरा प्रॉपर स्टेप होता है, पहले वो हेयर को रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे, स्टीम करेंगे, स्क्रब, मसाज, प्रॉपर मसाज भी करते हैं और उसके बाद मास्क भी लगाते हैं और मास्क लगाने के बाद ग्लो भी आ जाता है। तो ये तो कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं मैंने, लेकिन हाँ ये एक फैक्ट है वजाना के बारे में जो कि लोग करते हैं, तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो क्या आपने सुना था इसके बारे में? सो गाइज, ये तो थे वजानल फैक्ट्स जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। सब्सक्राइबर हैं जो बी नेचुरल के, उनको तो शायद पता ही होगा क्योंकि उनको ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए बी नेचुरल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा एक व्लॉग चैनल है मिस्टर मिसेस फ्रेंड्स, जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ, तो हमारे व्लॉग को भी देखिएगा यहाँ क्लिक करके। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।